हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हमारी YouTube से रिलेटेड है और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो का सेक्शन कैसे हटा सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगी। अगर आप परेशान हो चुके हैं YouTube पर अपने चैनल पर जो आपका शॉर्ट वीडियो का सेक्शन दिखाई देता है उससे, तो इसे हटाने का एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सी सेटिंग है, उसे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने चैनल पे जो आपका होम पेज होता है उस पे शॉर्ट्स वीडियो का जो सेक्शन होता है उसे हटा सकते हो इजीली। कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं भी आती है और कई लोग इससे पसंद भी करते हैं। अब आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इसे इजीली हटा सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट वीडियो का सेक्शन होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको अपना चैनल यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। दोस्तों मैं अपना यहाँ पर एक चैनल सर्च कर लेता हूँ, टेक्निकल अनिल 11 के नाम से, ठीक है। तो टेक्निकल अनिल हमने यहाँ पर डाल दिया है और 11 लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद हमारा चैनल यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने इस चैनल पे कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको देखिए नीचे मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो का सेक्शन आ रहा है और कुछ इस तरीके से जो आपकी शॉर्ट वीडियोस होती है ना वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देती हैं। आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं भी आती है और बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि वो कैसे इस चीज़ को हटाएं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसे हटा सकते हो अपने मोबाइल से, ठीक है। अगर आपके पास पीसी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन से भी ये चीज़ कर सकते हो। इसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे YouTube चैनल पे रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अपने शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने डेस्कटॉप वर्जन पर जाना है YT स्टूडियो में। देखिए डेस्कटॉप वर्जन क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर पर जैसे अपना YT स्टूडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन ऑटोमेटिकली ओपन होता है, बट स्मार्टफोन में इसे ओपन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे आपको अपने ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद YT स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन टाइप करना है और YT स्टूडियो को डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो YT स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको देखिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइजेशन का, ठीक है। ये जो ऑप्शन है डॉलर के नीचे इसे कहते हैं कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखाई देंगे, कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे जो है कुछ सेक्शंस हैं आपके जो पहले से ऐड होंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक यहाँ पे अगर ये इंग्लिश में सेलेक्ट है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो का सेक्शन दिखाई देगा। अगर हिंदी में आपने लैंग्वेज कर रखी है जैसे कि मैंने कर रखी है तो यहाँ पे छोटी वीडियो का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 115 वीडियोज़ हमारी शॉर्ट वीडियोज़ हैं। तो इसे हटाने के लिए क्या करना है, इस पर हमें यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक जो जगह है उस जगह, और फिर 3 डॉट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन हटाएं का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम दोबारा देखिए इस पर क्लिक करते हैं, सेक्शन हटाएं का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये जो सेक्शन है यहाँ से सफलतापूर्वक हट गया है, बिल्कुल कम्प्लीटली हट चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का सेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहीं आपका काम खत्म नहीं होता है। आपको इसे हटाने के बाद यहाँ पे सेव भी करना पड़ेगा, प्रकाशित करें यानी कि पब्लिश आपको करना पड़ेगा यानी सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम प्रकाशित करें कि ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो है हमारी सेटिंग सेव हो रही है और हमारा जो सेक्शन है अब यहाँ से कम्प्लीटली हट चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे हमारी जो शॉर्ट वीडियोस है वो दोबारा से दिखाई दे रही हैं, उनका सेक्शन दिखाई दे रहा है या फिर हट चुका है। तो इसके लिए मैं दोबारा से YouTube पर विजिट करूँगा। YouTube पर विजिट करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा अपने चैनल का नाम दोबारा से, टेक्निकल अनिल और 11 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, हमारा चैनल यहाँ पे दोबारा से आ गया है। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हमारा शॉर्ट वीडियो का सेक्शन जो है यहाँ से हटा है या नहीं हटा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम अपने चैनल पे आ गए हैं, चैनल पे आने के बाद मैं आपको ऊपर की ओर स्लाइड करके दिखा रहा हूँ, पॉपुलर वीडियोज़ का सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे आपको पहले दिखाई दे रहा था। इसी के नीचे हमें शॉर्ट वीडियो का सेक्शन भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है वो आपको यहाँ पे देखिए नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कम्प्लीटली यहाँ से हट गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब आपको शॉर्ट वीडियो का सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसे हमने अपने YT स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन से हटा दिया है, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से जो है अपना शॉर्ट वीडियो का सेक्शन हटा सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पे बहुत से लोगों की पसंद या नापसंद मायने रखती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इजीली यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से, इस सेटिंग के माध्यम से इसे हटा सकते हो। एक छोटी सी सेटिंग है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इस सेटिंग का यूज़ करके शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।